हेलो गाइज, मेरा नाम सोमू, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फाइनली यार पोको M3 डिवाइस के लिए यहाँ पे अब तक का सबसे बड़ा अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है, जिसमें बहुत सारे आपको फीचर भी देखने मिलते हैं। सब कुछ फीचर आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसके वर्जन की बात को तो MIUI 13.0.1.0 देखने को मिलता है और SJ मतलब एंड्रॉइड 12 का अपडेट है, मतलब MIUI 13 प्लस एंड्रॉइड 12 का अपडेट। जब भी इसका साइज आपको बड़ा देखने को मिलता है, स्टेबल अपडेट 3 GB इसका साइज देखने को मिलता है। साइज तो ज्यादा देखने को मिलता है, फीचर वगैरह भी आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं। वो सब कुछ बताने वाला हूँ इस अपडेट में, आपको क्या कुछ फीचर देखने को मिलता है, क्या कुछ देखने को मिलता है। तो इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करते रहिएगा। और जिनको ये अपडेट नहीं मिला तो कुछ दिन का वेट कीजिए, पोको वाले धीरे धीरे करके रोल आउट कर रहे हैं, तो 5-6 दिन में आपके डिवाइस में भी आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ही बात बोलना चाहूंगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लो, साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लो। और आज अपडेट आया यार, बड़ा अपडेट, तो लाइक तो बनता है, 200 लाइक का आई होप आप इसे कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अबाउट फोन की बात करें तो यहां पर देखते पोको M3 डिवाइस आपको देखने मिलता है, MIUI 13.0.1.0 अप टू डेट देखने मिलता है। और यहां पर जो एंड्रॉइड स्कूटी पैच है वो आपको दिसंबर का देखने को मिलता है, ये काफी अच्छी बात है। और एंड्रॉइड वर्जन आप देखेंगे यहाँ पे 12 देखने को मिलता है, और 12 वाले लोगों पे 7 से 8 बार क्लिक करेंगे करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पे 12 तो हमें इस प्रकार से नहीं देखने को मिलता, लेकिन आप इस वॉच पे आप यहाँ पे 12 कर दोगे तो यहाँ पे 12 देखने को मिलेगा। और पीछे देखते हैं कुछ इस प्रकार का इफेक्ट आ रहा है ना, कलरफुल, ये सब कुछ बताऊंगा ये टच वाला किस प्रकार से इफेक्ट आ रहा है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहना। नेक्स्ट मैं चेंज की बात करूं इस अपडेट आपको देखने मिलेगी आपके मोबाइल की सेटिंग में। जैसे मोबाइल की सेटिंग में जाओगे, नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे मिलेगा प्राइवेसी का ऑप्शन। प्राइवेसी का ऑप्शन पहले भी था, लेकिन इसके अंदर एक चीज ऐड हुई है, प्राइवेसी डैशबोर्ड का ऑप्शन। अभी प्राइवेसी डैशबोर्ड क्या है, ये आपको बताएगा कि जो भी आप परमिशन यूज कर रहा है, जो भी एप्लीकेशन, वो कितने बजे ले रहा है और क्या परमिशन ले रहा है। जैसे कि यहां पे देखते हैं लोकेशन वाली परमिशन, 9:11 पे ये परमिशन ली गई है, तो आपको डाटा रखता है, ठीक है। और मान लीजिए आपको कोई कैमरा की एप्लीकेशन कोई परमिशन ले रहा है, तो आपको पता लगेगा कौन सा एप्लीकेशन हमारी कितने बजे परमिशन ले रहा है, मतलब आपकी प्राइवेसी के लिए आपको पूरा ट्रांसपेरेंसी मिल रहा है यहाँ पे कि कितने बजे कौन सी परमिशन ले रही है, कौन सी ऐप आपकी परमिशन ले रही है, तो ये चीज़ आप चेक कर सकते हो। ये चीज़ फाइनली इसके अंदर ऐड हो चुकी है। और जो मी अकाउंट का लोगो है वो थोड़ा डार्क कर दिया गया, पहले भी था लेकिन थोड़ा सा डार्क हो चुका है ये ऑप्शन। नेक्स्ट चेंज की बात करूँ तो वो आपको देखने मिलेगा सेफ्टी इन एमरजेंसी का ऑप्शन। जी हाँ, ये ऑप्शन इसके अंदर नया ऐड कर दिया गया। अब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 4 से 5 ऑप्शन नए आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं एमरजेंसी इन्फॉर्मेशन, एमरजेंसी सोर्स, एमरजेंसी लोकेशन सर्विस, वायरलेस एमरजेंसी अलर्ट और वगैरह काफी सारे इसमें देखने को मिलते हैं, जिन्हें आप यूज करना चाहते तो कर सकते हो। तो फाइनली ये ऑप्शन नया इसके अंदर ऐड कर दिया गया। इसमें 102.0 भी ऐड हो चुका है। जी हाँ, जो लोग बिना बटन के अपने फोन को यूज करते हैं ना, वो भी अब 100 मोड में इसको यूज कर सकते हैं। 100 मोड क्या है, जैसे कि फुल स्क्रीन गेस्चर कई लोग यूज करते हैं, जैसे कि बटन हाइड हो जाएगा, देखते हैं बटन यहाँ पे नहीं देखने को मिलता। अब यहाँ पे देखते हैं कि नेविगेशन बार आ चुका है बिना बटन के। इस पहले क्या होता था MIUI 12.5 के अंदर, आप 100 मोड यूज नहीं कर सकते थे इस नेविगेशन बार के अंदर, लेकिन अब इसको यूज कर सकते हो, बस नीचे की ओर थोड़ा सा यहाँ पे आपको स्लाइड करना पड़ेगा। और देखते हैं 100 मोड एक्टिवेट हो चुका है, पहले आप नेविगेशन बार में यूज नहीं कर सकते थे, ओनली फॉर बटन वाले के अंदर ही 100 मोड यूज कर सकते थे, लेकिन ये फाइनली चीज इसके अंदर ऐड हो चुकी है, तो ये काफी अच्छी बात है। नेक्स्ट चीज की बात करूं तो वो आपको देखने को मिलेगा आपकी एजबिलिटी के अंदर। एजबिलिटी के अंदर जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा एजबिलिटी मीनू का ऑप्शन, और यहाँ पे एक एजबिलिटी बटन का भी ऑप्शन है। अभी एजबिलिटी मीनू हम देख लेते हैं, इसको हमने पहले भी था ये, लेकिन इसको थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया। ओके करते हैं तो यहाँ पे एक बटन ऐड हो जाता है, देखते हैं कुछ इस टाइप में देखने को मिलता है। अब ये बटन पे क्लिक करेंगे तो काफी सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि पावर होगा, वॉल्यूम होगा, रिसेंट हो गया, लॉक स्क्रीन वगैरह, ये सारी चीजें देखने को मिलती है जैसे कि एक्सेस कर सकते हैं। और इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं, बस आपको यहाँ पे टैप करना है। यहाँ पर टैप करने के बाद यहाँ पे मोर ऑप्शन देखने को मिलेगा, मोर ऑप्शन पे देखते हैं इसकी कस्टमाइजेशन देखने को मिलेगा। और इसको कस्टमाइज करने का और भी एक और तरीका है, यहाँ से आपको नहीं करना तो यहाँ पे एजबिलिटी बटन में भी जाके इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। जी हाँ, वहाँ पे भी जाने की जरूरत नहीं है। अब इसको लार्ज करना है, स्मॉल करना है, वो आप कर सकते हैं। जैसे कि लार्ज करना है तो लार्ज में इस टैप में देखने को मिलेगा। कितना इसको ट्रांसपेरेंट रखना है, कितना डार्क रखना है, जैसे कि देखते हैं पूरा पूरा यहाँ पे देखते हैं फेड हो चुका है। और इसको डार्क करना है तो डार्क भी आप कर सकते हैं, या आप चाहते हो कि ऑटोमेटिकली हाइड भी हो जाए, हम यूज ना करें, तो वो ऑप्शन भी आपको देखने को मिलता है। तो ये ऑप्शन देखने को मिलता है एजबिलिटी मेनू का ऑप्शन, अगर आपका इसको चेक करना है तो कर सकते हैं। टॉक बैक का जो लेआउट वगैरह है, ये यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे फीचर तो ऐड नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे लेआउट में यहाँ पे चेंजेस किए गए, जैसे कि स्विच एक्सेस में नया लेआउट यहाँ पे दे दिया गया है। और भी हम बात करें यहाँ पे, और तो यहाँ पे कुछ नहीं देखने को मिलता। ऑटो क्लॉक के अंदर जाएंगे तो इसका भी लेआउट आपको चेंज देखने को मिलता है, लेआउट वगैरह यहाँ पे काफी सारी चीजें चेंज करती गई। अब नेक्स्ट चेंज की बात को तो वो आपको देखने मिलेगा इसके वॉलपेपर सेक्शन में। वॉलपेपर सेक्शन पहले भी था, लेकिन आपको दिखाता हूँ ये लेआउट आपको देखने को मिलता है। और वॉलपेपर वाले सेक्शन पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दिखाता हूँ नए वाले आपको MIUI 13 वाले वॉलपेपर देखने को मिलते हैं। और हो सकता है आप में ये जब अपडेट हुआ होगा तो ये वॉलपेपर ऑटोमेटिकली अप्लाई देखने को मिला होगा।
हुआ, ठीक है। तो ये नए नए वॉलपेपर MIUI 13 वाले ऐड कर दिए गए, जिन्हें यूज करना है तो कर सकते हैं। और एक चीज और चेंज हुई है आपके थीम एप्लीकेशन में, मान लीजिए आप ये थीम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं डाउनलोड का जो ऑप्शन है कितना लार्ज वगैरह कर दिया गया, तो ये थोड़ा बहुत चेंज किया गया, तो ये काफी अच्छी चीज लगी मुझे। तो ये नया लेआउट यहाँ पे चीज की बात को तो काफी लोग कह रहे हैं यहाँ पे बैलेंस मोड पर होम मोड आ चुका है, तो आप देख लेना आप में आया है कि नहीं है। मेरे में ओल्ड वाला ही देखने को मिलता है, हो सकता है किसी किसी डिवाइस में ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा हूं तो वो आप चेक कर लेना। नेक्स्ट चेंज की बात को तो वो आपको देखने मिलेगा होम स्क्रीन के अंदर, जी हाँ पोको लॉन्चर इसके अंदर आ चुका है, देखते हैं कुछ इस टाइप में देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको देखते हैं अरेंज आइटम डिसेंट पे हॉरिजॉन्टल का ऑप्शन देखने को मिलता है। हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करने के बाद देखते हैं कुछ इस टाइप में हमें लेआउट वगैरह देखने को मिलते हैं। और भी कुछ बात करूं यहां पे देखते हैं ब्लर ऐप प्रीवियस भी आ चुका है। ब्लर ऐप प्रीवियस जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूं, कई लोगों को तो पता ही है। मान लीजिए यहां पे मान लीजिए मैं कौन सी एप्लीकेशन पे इसको लगाऊं, मान लीजिए कैमरा एप्लीकेशन पे ही हमने लगाया हुआ है, और मान लीजिए हम कैलकुलेटर में इसको लगा लेते हैं। कैलकुलेटर एप्लीकेशन को हम ओपन करते हैं, यहाँ पे कैलकुलेटर कहाँ गया भाई, तो यहाँ पे हम करते हैं कैलकुलेटर को ओपन। कैलकुलेटर को ओपन करने के बाद हम जाते हैं रिसेंट मेन्यू के अंदर। अब रिसेंट मेन्यू पे जाएंगे तो ये चीज़ पूरी ब्लर हो जाएगी, तो जिस चीज़ को आप ब्लर करना चाहते हो रिसेंट मेन्यू में वो आप ब्लर कर सकते हो, तो ये चीज़ भी ऑप्शन ऐड हो चुका है। बाकी देखते हैं फोको लॉन्चर इसमें ऑफिशियली दे दिया गया, कई लोगों को पहले भी मिल चुका होगा, कई लोग इंस्टॉल कर रहे होंगे, लेकिन ऑफिशियली इस अपडेट के साथ आ चुका है। और एक कमाल की चीज़ इस अपडेट के अंदर आई है, कंट्रोल सेंटर MIUI 13 वाला, जी हाँ नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर इसका नाम कर दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं कंट्रोल सेंटर में जाएंगे तो यहाँ पे देखते हैं नया लेआउट यहाँ पे ऐड आपको देखने को मिलता है सबसे पहले, और यहाँ पे भी नया लेआउट देखने को मिलता है, और यहाँ पे देखेंगे तो ये चीज भी आ चुकी है, देखते हैं कंट्रोल सेंटर। और इस कंट्रोल सेंटर को आप ब्लर भी कर सकते हो, तो ब्लर कर सकते हो, लेकिन इस वीडियो को पूरा वॉच करना, उसके बाद मैंने एक अपने चैनल पर वीडियो अपलोड की है इसको ब्लर कैसे करते हैं, तो वो भी आप करना चाहते तो कर सकते हो, उस पर वीडियो आपको मिल जाएगी, तो वो आप चेकआउट कर लेना इस वीडियो को देखने के बाद। और नोटिफिकेशन वाला लेआउट कुछ इस टाइप में हमें देखने को मिलता है। और बात करूँ यहाँ पे एडिशनली कार्ड का भी ऑप्शन ऐड हो चुका है, जिसमें मी स्मार्ट प्ले का ऑप्शन देखने को मिलता है, स्मार्ट होम का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और ईस्टर एग वाला भी ऑप्शन देखने को मिलता है। अब ये ऑप्शन ना आए ना तो कई फोनों में ये नहीं आता, तो आप मैंने शुरू में दिखाया था ना एंड्रॉइड 12 को आपको 12 पे वॉच पे करना पड़ता था, वो 12 पे कर देना उसके बाद ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन यहाँ पे आपको आ जाएगा जिनके फोनों में ना आए। और कुछ बात करूं इस अपडेट के अंदर तो मैं बात करूं यहाँ पे मान लीजिए मैं वेदर एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, वेदर को नहीं किसी की भी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं जहां पे लोकेशन की परमिशन मांगता है, जैसे कि इसमें मांगेगा जैसे कि एग्री पे हम क्लिक करते हैं तो ये देखते हैं एनिमेशन पूछता है किस टाइप में आपको चाहिए, ये इस प्रकार सेलेक्ट वगैरह कर सकते हैं, तो पहले ऐसा नहीं देखने मिलता था, तो ये चीज एक नई ऐड हो चुकी है जहां पे भी लोकेशन वाली परमिशन मांगेगा। और यहां पे देखते हैं कैमरा एप्लीकेशन को जैसे ही ओपन करेंगे तो ऊपर की साइड हमें एक डॉट सा देखने को मिलता है। अब ये डॉट काफी लोग बोल रहे हैं क्या चीज आ चुका है, लेकिन ये सब डेट के साथ आया है, अब इसको रिमूव तो नहीं किया जा सकता, लेकिन आपको बता देता हूं ये फीचर है क्या, जैसे कि आपको बताता है कि ये एप्लीकेशन ये परमिशन ले रहा है, जैसे कि कैमरा एप्लीकेशन बता रहा है ये परमिशन ले रहा है, अगर इसको ऑफ करना चाहते तो कर सकते हो भाई, डायरेक्टली उसको डायरेक्ट या आप इन्फो में रिडायरेक्ट कर देगा, तो ये आपको बताता है मतलब आपकी ट्रांसपेरेंसी के लिए। कैमरा एप्लीकेशन में नहीं किसी भी एप्लीकेशन में आपको देखने को मिल सकता है जहां पे परमिशन वगैरह ले रहा होगा तो वो आपको बताएगा भाई, इंडिकेट करेगा कि ये एप्लीकेशन परमिशन ले रही है, क्या आप इसको ऑफ करना चाहते हो, तो आप करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो मत। और कुछ चीजों की बात करो तो क्या चीज ऐड हुआ है, जैसे कि सिक्योरिटी एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे, गेम ट्रूबो की हम बात कर ले तो गेम ट्रूबो ऑफिशियली नया लेआउट हमें इस अपडेट के अंदर देखने को मिल चुका है, देखते हैं कुछ इस टाइप में कट 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 वगैरह आ जाती है, तो ये चीज इसके अंदर नई ऐड हो चुकी है। नेक्स्ट चीज की बात करो तो वो आपको देखने मिलेगा नोट्स एप्लीकेशन के अंदर, नोट्स एप्लीकेशन यहाँ पे नया वाला आ चुका है, देखते हैं फोल्डर का नया ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है, प्लस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे इस प्रकार से क्रिएट वगैरह होते रहेंगे, ये नया लेआउट आ चुका है। और क्रिएट ए माइंड मैप का भी ऑप्शन यहां पे आ चुका है, यहां पे देखेंगे क्रिएट ए माइंड मैप लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करोगे तो एक माइंड मैप क्रिएट कर सकते हो, मान लीजिए इस पे क्लिक करना है और यहां पे लिख देते हैं SHUBS शुभम, और शुभम के आगे यहां पे एक और एरो लगा देते हैं और यहां पे लिख देते हैं दूसरा नाम और यहां पे एक और, फिर उसके आगे एक और, यहां पे मतलब बंदा काम कर रहा है और फिर यहां पे दो लगाना है, तो इस प्रकार से क्रिएट ए माइंड मैप आप क्रिएट कर सकते हो, तो ये चीज भी इसके अंदर ऐड हो चुकी है। नेक्स्ट चीज की बात करो तो ये फीचर ना कुछ हिडन आपको देखने को मिलते हैं जो कि पोको वाले ने हिडन करके रखे, इसके लिए आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है, जिसका नाम है एक्टिविटी लॉन्चर को डाउनलोड करके अपने फोन के अंदर आप ओपन कर लीजिएगा, जो कि जो एप्लीकेशन है जो कि हिडन फीचर फाइंड करने के काम आती है, इसीलिए आपको करना पड़ता है डाउनलोड, क्योंकि पोको ने काफी सारे फीचर हिडन कर रखे हैं। तो सबसे पहले फीचर की बात करें HEART हार्ट रेट वाला फीचर इसमें देखने को मिलता है भाई साहब, देखते हैं हार्ट रेट वाला फीचर, कैमरा को आपको पूरा कवर करना पड़ेगा इस टाइप में, जब आपको मेजर करके देगा कुछ इस टाइप में भाई साहब, हो जाए भाई, तो ये मेजर करने के दे रहा है, देखते हैं होता है कि नहीं होता, हाथ बिल्कुल स्टेबल रखना पड़ता है, देखते हैं 35% हो चुका है और देखते हैं कुछ इस स्टेप में ये देखने को मिलेगा, ठीक है भाई साहब, हो जा भाई, हो जा 100%
हो गया तो हो गया भाई, मेजर करके दे दिया और ये आपको रिपोर्ट देगा। अब पता नहीं ये रियल है कि नहीं है, लेकिन इसके अंदर हार्ट रेट वाला फीचर है और इसके यहाँ पे क्रिएट शॉर्टकट कर लीजिए, आपके होम स्क्रीन पे शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा। अगर ना हो शॉर्टकट क्रिएट, यहाँ पे एक्टिविटी लॉन्चर पे प्रेस एंड होल्ड करना, अदर परमिशन में जाना, होम स्क्रीन शॉर्टकट को ऑलवेज लो कर देना, उसके बाद इसका शॉर्टकट वगैरह क्रिएट हो जाएगा। तो ये हार्ट रेट वाला आपको फीचर इसमें फाइनली देखने को मिलता है। हार्ट रेट वाले को फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो कुछ इस टाइप में भी देखने को मिलता है स्टार्ट का ऑप्शन, जैसे कि मैंने पहले उसको यूज किया था तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट चीज की बात को तो वो भी आपको हिडन ही देखने को मिलता है इसके अंदर, जो है नोटिफिकेशन हिस्ट्री। जी हाँ, ये भी फीचर है इसके अंदर, काफी लोग इसको मिस कर रहे थे, लेकिन इसके अंदर है लेकिन हिडन करके रखा हुआ है। इसका भी शॉर्टकट क्रिएट कर लीजिएगा, होम स्क्रीन पे आ जाएगा, बार बार एक्टिविटी लॉन्चर में जाने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होता है, जो भी आपकी नोटिफिकेशन आती है आपने स्वाइप कर दिया ऊपर से, तो होते ना कई बार आपने ऐसा कर देते हैं और बाय मिस्टेक वो स्वाइप हो जाते हैं और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होती है, फिर चेक करना होता है क्या था यार, तो यहां से इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन इसको ऑन करके रखना पड़ेगा आपको पहले से ही, ये आप ध्यान रखना। तो ये चीज आपको देखने को मिलती है नोटिफिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन। और एक और ऑप्शन इसके अंदर ऐड हुआ है जिसका नाम है अर्थ, यहाँ पे हम सर्च करेंगे और यहाँ पे देखते हैं अर्थक्वेक वाली भी कुछ इस टाइप में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये फीचर भी हिडन है, यहाँ पे वीडियो में करके क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे किस टाइप में देखने को, भाई पीछे हो जाए भाई, तो ये चीज़ भी ऐड हो चुकी है। इसका भी क्रिएट शॉर्टकट करना है तो भाई कर सकते हैं इसके अंदर। बात करूँ इस अपडेट के अंदर, मैं बता दूँ यहाँ पे डायलर वगैरह आपको वही गूगल का ही देखने को मिलता है, ये चेंज नहीं किया गया। और हम बात करें इस अपडेट के अंदर और भी कुछ चेंजेस, तो यहाँ पे मान लीजिए आपको उस गैलरी के अंदर कोई फोटो एडिट पे जाते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे फिल्टर ऐड कर दिए गए हैं, देखते हैं कुछ इस प्रकार के आपको नए नए फिल्टर यहाँ पे देखने मिलते हैं। पहले भी थे लेकिन 4 से 5 नए फिल्टर अब इसके अंदर ऐड कर दिए गए हैं। अब जो इससे फोटो एडिट करते होंगे उनको आई थिंक ये पता लग चुका होगा कौन कौन से फिल्टर ऐड हुए हैं। अब मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता ये वाले फिल्टर ऐड हुए, तो वो चीज आप चेकआउट कर लेना। अब नेक्स्ट चीज की बात करें तो काफी लोग ये हम नोटिस कर रहे हैं कि इस वीडियो में आपने जो ये वॉलपेपर लगा रखा है, जैसे कि कहीं पे भी टच करते हैं तो कुछ इस प्रकार का एनिमेशन आता है, ये किस प्रकार से ऐड हुआ, ठीक है, देखते हैं। काफी अच्छा लगता है, जैसे कि मैं इस पे जाता हूं और वापस अपने होम स्क्रीन पे जाता हूं, जैसे कि होम स्क्रीन पे गया तो देखते हैं किस प्रकार का इफेक्ट आपको देखने मिलता है। देखने में अच्छा लगता है, कोई भी फ्रेंड आपसे पूछ सकता है किस प्रकार से इस इफेक्ट को ऐड किया इसके अंदर, तो मैंने इस पे एक ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगी, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। ये वीडियो वॉच करने के बाद आप वो वीडियो वॉच कीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। ये आपको किस प्रकार से टच स्क्रीन वाला जो एनिमेशन है वो अपने फोन के अंदर अनेबल करना है, तो ये मैंने आपको लिए वीडियो बनाई, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको देखने को मिलता है आपको MIUI 13.0.1.0 अपडेट के अंदर, 3 GB का अपडेट था, जो भी फीचर्स थे मैंने आपको बता दिए। आई होप आज की वीडियो पसंद आई, पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टैग करने के बाद जय हिंद, वंदे मातरम।